साथियों, मैं भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। तो आज हम एसएससी जीडी और सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चंस 2021 में आए हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो क्वेश्चंस हैं लाभ और हानि पर। एसएससी जीडी और सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं 2021 के लाभ और हानि पर। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस का हल निकला हुआ है, अपन आइए इस सीरीज में अपन जानते हैं। दोस्तों, यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार मुझे मिल सके और पिछले वीडियो में मिलने वाले प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जीडी और सीएचएसएल में 2021 में आए हुए क्वेश्चन, लाभ और हानि हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, लाइक और शेयर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक की सुलेखा ने 36 किलो चीनी 1040 रुपए में खरीदी, उसने इसे 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये किस तारीख को और कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुलेखा ने 36 किलो चीनी 36 केजी चीनी खरीदी। अब बताया क्या गया है कि उसने इसे 10 किलोग्राम केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेची। लाभ कितना हुआ उसको? 10 केजी के बराबर लाभ हुआ। 10 केजी के बराबर यदि लाभ हुआ, मतलब उसने 10 केजी और बेची। कितनी बेची? तो उसको लाभ कितना हुआ? उसको लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ उसको? 26 केजी का। कितना लाभ हुआ है? 26 केजी। 36 केजी खरीदा, 10 केजी लाभ पर बेचा, तो उसको लाभ कितने का हुआ है? 26। ये 26 बराबर कितना है? 1040। लाभ कितने का हुआ उसको 10 केजी का? तो वास्तव में उसने कितनी खरीदी थी? 26 केजी खरीदी थी। 36 केजी बेचने पर 10 केजी के बराबर लाभ हुआ, तो उसने खरीदी कितनी थी? 26। और 26 केजी का मूल्य कितना है? 1040। 26 केजी का मूल्य है 1040 और इसको अपन डिवाइड करते हैं 26 को, तो ये कितनी बार जाएगा? 1 केजी बराबर 40। ठीक है, 1 केजी बराबर 40। तो उनने हमसे पूछा है 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब 1 केजी का मूल्य 40 है तो 5 किलोग्राम 5 केजी का मूल्य कितना होगा? 5×20 यानी कि 200 रुपए। यही आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है? ये एसएससी सीएचएसएल का 12/4/2021 और शिफ्ट कौन सी रही? शिफ्ट रही है मॉर्निंग में ये पूछा गया है। 36 केजी खरीद कर 10 केजी लाभ के बराबर उसने बेचा है, तो दोस्तों उसने खरीदा कितना था? 26 केजी। 26 केजी का मूल्य कितना था? 1040। 1 केजी बराबर 40, तो 5 केजी बराबर 200 रुपए। तो ये 12/4/2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे इसको। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, वापस समझाता हूं कि 36 केजी खरीदा, 10 केजी के बराबर लाभ हुआ, तो उसने खरीदा कितना था? 26 केजी। 26 केजी खरीदा, 26 केजी का मूल्य कितना? 1040। 1 केजी बराबर 40, तो 5 केजी बराबर 200, यानी कि 12/4/2021 को आया हुआ क्वेश्चन मॉर्निंग के शिफ्ट में है एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है,
दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, रुकना नहीं चाहिए लाइक और शेयर, लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, आपके लाइक और शेयर से बहुत ही मदद मिलती है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक दुकानदार दो रेफ्रिजरेटर सेट समान कीमत पर बेचता है, उसे एक रेफ्रिजरेटर पर 40% का लाभ होता है और दूसरे रेफ्रिजरेटर पर उसको 40% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका शुद्ध हानि प्रतिशत कितना होगा? पूरे लेन देन में शुद्ध हानि प्रतिशत उसने पूछा है। 40% का लाभ, 40% का लाभ यानी कि प्लस, 40% की हानि यानी कि माइनस, 40% का लाभ यानी कि 40% का लाभ, 40% की हानि और माइनस प्लस माइनस होगा, 40 × 40 कितना हो जाएगा 1600 बटे में 100। ठीक है, यहां पर 40 से 40 खत्म, 20 से 20 खत्म, तो कितना हो गया -16%। मतलब क्या हुआ, ये हानि हुई है और हानि का जो क्वेश्चन आया हुआ ये कब आया हुआ है, ये 12/4/2021 12/4/2021 आफ्टर, ये आया हुआ है, हाँ आफ्टरनून में आया है, आफ्टरनून में ये आया, आफ्टरनून में क्वेश्चन आया हुआ है। 40% लाभ हुआ, 40% हानि हुई, तो आंसर कितना है 16% किसको हानि हुई, 16% किसको हानि हुई। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन बस ही है लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है 12/4/2021 आफ्टरनून में आया हुआ है। ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत ठंडी है दोस्तों, चलिए क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आज, कुछ भी, बहुत ही शानदार सीरीज चलेगी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अपन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं कि 92 किलोग्राम गेहूं बेचने पर एक व्यक्ति को उसके 12 किलोग्राम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी 36 केजी वाला किया था, वो वैसा का वैसा ही है, बस के वाले डाटा चेंज किया है। इसमें देख लीजिए आप कि 92 केजी बेचने पर, 92 केजी बेचने पर, 92 केजी बेचने पर, सेल करने पर, बेचने पर 12 केजी के बराबर लाभ होता है, 12 केजी के बराबर लाभ होता है, तो मुझे बताइए कि खरीदा कितने है? खरीदा यानी कि सीपी कितने हैं, 80। कितनी है सीपी, 80 केजी, कितनी है 80 केजी के बराबर लाभ हुआ, तो उन्होंने बोला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितने का हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, लाभ कितने का हुआ है 12, प्रॉफिट परसेंटेज इनको पूछना है, लाभ कितने का हुआ है 12 का, किस पर, 80 केजी पर इंटू 100। बात समझ में आ गई होगी भाई, उन्होंने बोला है कि 92 केजी बेचने पर 12 केजी के बराबर लाभ होता है, तो खरीदा कितना, ये क्या है खरीदा, ये क्या है खरीदा, कितना 80 केजी, तो हमको लाभ कितना हुआ 12 केजी का, लाभ कितना हुआ 12 केजी का, किस पर 80 पर, तो 4 × 3 × 4 × 2 20 × 5 5 × 3 तो हमको यहां प्रॉफिट परसेंटेज जो हुआ है वो कितना हुआ है 15% प्रॉफिट हुआ है, 15% प्रॉफिट हुआ है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल का 13/4/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल का जो अभी एग्जाम आया हुआ है, 4500 वैकेंसी है उसमें, उस 4500 वैकेंसी में आप देख लीजिएगा कि 92 केजी बेचने पर 12 केजी का लाभ होता है, खरीदा कितना 80 केजी,
प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना हो गया, 12 का प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ 12 का प्रॉफिट हुआ, किस पर 80 पर इनटू 100, 4 से काटा 15%, 15% का प्रॉफिट हुआ 13/4/2021 मॉर्निंग में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, अति आनंदम, अति आनंदम। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारी चीजें करेंगे, सारी चीजें एक्स वाई जेड सारी चीजें करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 92 केजी बेचने पर 12 केजी के लाभ होता है, लाभ कितना हुआ 12 केजी, खरीदा कितना 80 केजी, 12/80 × 100 यानी कि 15% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यह रहा कि एक दुकानदार ने 1.40 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे, 80 अंडे परिवहन में टूट गए, आने जाने में टूट गए, उसने शेष प्रत्येक अंडे को 1.60 रुपए में बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात, यहां सबसे पहली बात समझने वाली यह है आपको कि दर्जन मतलब होता है 12, उसने 40 दर्जन, कितने दर्जन 40 दर्जन यानी कि 12 यानी कि दर्जन 40 दर्जन किस हिसाब से खरीदे, 40 दर्जन खरीदे उसने 1.40 रुपए के हिसाब से खरीदे, 1.40 रुपए के हिसाब से खरीदे, मैंने पॉइंट हटाया, जीरो लगा दी, डबल जीरो लग जाएगी, पॉइंट हटाया, डबल जीरो, इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो। ठीक है, यहां 12 × 48 और ये 14, मैंने इंटू किया 8 × 32 का 2 हासिला 3, 4 × 16 और 8 24, 24 और 3 27 का 7 हासिला आया 2, 4 और 2 672 रुपए इसकी क्या आई कीमत आई, कीमत कितनी आई 672 रुपए कीमत आई। अब परिवहन के दौरान 80 अंडे खराब हो गए, कितने अंडे 40 दर्जन ही अंडे थे, 40 दर्जन अंडे में से 80 अंडे खराब हो गए, तो 12 × 48 यानी कि 480 अंडे थे, 480 अंडे में से 40 अंडे खराब हो गए, तो बचे कितने अंडे 400, कितने बचे 400 अंडे बचे, 40 अंडे खराब हो गए तो बचे कितने 400 अंडे। ठीक है, 400 अंडे, 4 और 2 6, 400 अंडे बचे, 400 अंडे बचे 40 दर्जन, अब 400 अंडे बचे, 400 अंडे जो बचे हैं वो कितने में बेच रहा है, वो 400 अंडे जो बचे हैं इन 400 अंडों को उसने बेचा है 1.60 रुपए की दर से, उसने बेचा है 1.60 रुपए दर, तो मैं पॉइंट हटाऊंगा 100 लग जाएंगे, लग जाएंगे 20 से 20, 16 को 16, 16 × 32, 16 × 48, 16 × 64 कितना आ गया 640 रुपए, कितना आ गया 640 रुपए में बेचा, कीमत कितनी हुई 672 रुपए, बेचा कितने में 640 रुपए में, तो मुझे बताइए कि 672 रुपए में खरीदा, 640 रुपए में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ 32 का, कितने का हुआ 32 का। तो उन्होंने हमसे यही पूछा है कि प्रॉफिट या, तो यहां पता चल रहा है कि 32 का क्या हो रहा है, 672 रुपए कीमत है, 640 रुपए में बेचा, तो 32 रुपए क्या हुआ लॉस हुआ, लॉस हुआ है 32% क्या हुआ है हमको लॉस हुआ है, 32 अंडों का हमको लॉस हुआ है, किस पर 640 इंटू 100 640 नहीं 640 पर नहीं 672 कितना पर, किस पर 672। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 21 बार जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 100/21 और 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 यानी कि 4 बचेंगे 16/21, इतने परसेंट का क्या होगा 4 सही 16/21% का क्या होगा हानि होगी, 4 सही 16/21 की क्या होगी हानि होगी और
ये आपसे पूछा गया है कब है, ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 13/4/2021, ये पूछा गया है आपसे 13/4/2021। और शिफ्ट कौन सी रही है, शिफ्ट रही है आपकी आफ्टर नून, शिफ्ट रही है आपकी आफ्टर नून, शिफ्ट आपकी रही है आफ्टर नून। दोस्तों क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूं कि 40 दर्जन अंडे खरीदे, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ₹1.40 के हिसाब से पॉइंट हटाया 100 लग गया, 2 जीरो काट दी, इंटू करने पर ये 12×48=14,672। इधर 40 अंडे, 40 दर्जन 12 मतलब 40 दर्जन अंडे कितने होते हैं 480, 480 अंडे होते हैं, उसमें से 80 अंडे खराब हो गए, हमारे पास बचे कितने 400 अंडे, 400 अंडों को उसने बेचा कितने में, ₹1.60 में बेचने पर उसको आया ₹640 में बेचा, तो हमने खरीदा कितने में, खरीदा हमने ₹672 में, बेचा हमने ₹640 में, तो हमको हानि कितने की हुई 32 की, हानि कितने की हुई 32 की, तो जब हानि हमको 32 की हुई तो लॉस परसेंट 32/672 100/21 16/21% की हमको क्या हुई है, हानि हुई है। और ये आपसे पूछा गया कब है 13/4/2021, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा गया हम चंद सेकंडों में बनाएंगे, ठीक है, आप बने रहिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया शानदार, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन हम किसी भी प्रकार का नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, आप जी जान से लग जाइए तैयारी में, अब नहीं तो कभी नहीं। एसएससी सीएचएसएल की भी वैकेंसी आ चुकी है 4500, एसएससी जीडी की भी वैकेंसी अभी एग्जाम होने वाली है, एमपी पुलिस की भी भर्तियां आ रही है, रेलवे की भर्तियां भी आ रही है, एसएससी सीजीएल भी आने वाली है, सीपीओ भी आने वाली है, सभी का नोटिफिकेशन आ चुका है, अपडेट हो चुका है, आप तैयारी में लग जाइए, हम एक भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आप जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन है कि एक वस्तु को ₹8,670 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है और 15% का लाभ कमाने के लिए, 15% का लाभ कमाने के लिए इसे इस कीमत पर बेचे कि उसको बेचना पड़ेगा, कितनी कीमत पर उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा सा है कि किसी वस्तु की सीपी है कितने परसेंट पर, उसको 15% की हानि होती है, कितने परसेंट की हानि होती है, कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है, 15% की हानि होने पर वो चीज कितने की हो गई 85, और ये 85 बराबर ही कितना है 8,670, कितना है 8,670, 17 5 85, 17 5 से काटेंगे तो 102, 5 से काटेंगे 102, तो यहां पर 1% बराबर कितना हो रहा है 102, तो 100% बराबर कितना हो, ये क्या है इसका, ये क्या है इसका सीपी, ये क्या है इसका सीपी, ये सीपी है, तभी तो 15 भाई 8,670 रुपए में बेचने पर तो उसको 15% की हानि हुई। अब वो बोला कि 15% का यदि मुझे लाभ कमाना है, 15% का मुझे लाभ कमाना है तो 1000 कितना, 15% का लाभ कमाना है तो 115/100 102 इंटू 115 यानी कि आएगा 11000। ऑप्शन दिया गया है इसमें, ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं, 11730, 13370, 18590, 23560, इसका आंसर आएगा 11730, अब इंटू करेंगे तो 11730 इसका आंसर आएगा, मतलब यदि उसको 15% लाभ चाहिए तो उसको
कितने बेचना पड़ेगा, 11,730 रुपए में बेचना पड़ेगा। उसकी ओरिजिनल कीमत 10,200 है, 10,200 है, और उसने हानि खाकर 8,770 रुपए में बेचा। बहुत ही इजी, टफ क्वेश्चन लग रहा था लेकिन बहुत इजी। हम इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले दोस्तों, इसलिए बने रहिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कि एक वस्तु को 8,670 में बेचने पर, ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ कब आया है, एसएससी सीएचएसएल का 15/4/2021, ये आया हुआ जो क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है 15/4/2021, और शिफ्ट है दोस्तों, कितना शिफ्ट है, ये भी आफ्टरनून में आया हुआ है, ये भी आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। 15% की हानि यानी कि 8,770 रुपए, 1% बराबर 102, तो 100% बराबर 10,200, उसको 15% का लाभ चाहिए यानी कि 115 बटे में 100, 100 से डिवाइड करेगा 102 से 115, 11,730। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया शानदार, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चंस को पूर्ण रूप से आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि 85% बराबर 8,670, 1% बराबर 102, 100% बराबर 10,202, 12 है तो 102 इंटू 115 बटे में 100, 102 इंटू 11,730। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को प्रत्येक को 620 रुपए में बेचता है, एक 24% के लाभ पर और दूसरा 24% की हानि पर, पूरे लेन देन में उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको संख्या दी गई है तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एक फंडा अप्लाई करना है, 24% का लाभ माइनस 24% की हानि माइनस प्लस 24 × 24 बटे में 100, 24 से 24 डिवाइड करेंगे, यहां पे आएगा 24 यानी कि 576 बटे में 100, 576 बटे में 100 यानी कि 5.76% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कब, ये पूछा गया है 16/4/2021 और पूछा गया है मॉर्निंग में, 16/4/2021 और पूछा गया है क्वेश्चन मॉर्निंग में, ठीक है। 24% का लाभ, 24% की हानि, 24 × 24 बटे में 100, 576 बटे में 100, 5.76% की लॉस हो रहा है उसको, और ये पूछा गया 16/4/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शानदार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार 12 की दर से 222 रुपए में कुछ नोट बुक खरीदता है और 225 रुपए के लिए 10 पर समान संख्या में नोट बुक खरीदता है। यदि वह 20% के लाभ पर सभी नोट बुक को बेचता है तो 15 नोट बुक की बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, 15 नोट बुक की बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। 12 की दर से खरीदता है ना, 12 की दर से, समझना क्वेश्चन, 12 की दर से खरीदना, ये हो गई आपकी नोटबुक और ये हो गई आपकी प्राइस, ठीक है, ये हो गई आपकी प्राइस। अब कितनी, 12 के दर से खरीदी, 20% का लाभ है ना, 20% का लाभ यानी कि
20% का लाभ लेना है। 20% यानी कि 1/5, 20% मतलब 1/5। एक दुकानदार ने 12 की दर से 222 रुपए में कुछ नोटबुक खरीदा और 225 रुपए के लिए 10 पर समान संख्या में नोटबुक खरीदा। यदि वह 20% के लाभ पर सभी नोटबुक को बेचता, 20% के लाभ पर सभी नोटबुक को बेचता तो है ना, तो यहां पर पहले कितनी खरीदी, 5, कितनी खरीदी, 5, 5% लाभ कमाना है हमको। ओरिजिनल कितनी है, ये क्या है ओरिजिनल, ये क्या है ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना 222 रुपए इंटू 5, तो 5 × 10 यानी कि 1110, 5 × 10 यानी कि 1110। अब कीमत है तो की किताब हुई, फिर 10 के भाव से मतलब 12 में खरीदी और 10 के भाव तो बढ़ की दी गई, पहले थी 5 अब कितनी हो गई 6, 1 बढ़ गई, तो 6 जो है वो कितने में बेची, 225 रुपए के हिसाब से, 225 रुपए के हिसाब से 6 बेची 225 रुपए के हिसाब से तो कितना हो गया 1350, 25×6=150 और 6×12=13 है ना, कितना हो गया 1350। यहां पर कितनी हो गई 60, यहां पर भी कितनी हो गई 60। बात समझ में आ गई भाई, 20% लाभ चाहिए तो 20% यानी कि 1/5, पहले 12 की दर के हिसाब से 5 टोटल बुक, मान लो कि 5 है 12 5 60 बुक है, हमने 5 के हिसाब से खरीदी तो कितना 1010 रुपए में खरीदी, 1110 रुपए में खरीदी और 10 के हिसाब से बेची, 10 के हिसाब से बेची क्योंकि 20% लाभ कमाया हमने, 5 पे कोई लाभ नहीं कमाया, 5 से हम क्या हो गया 6, तो हमने 20% लाभ कमाया, 6 तो 60 हो गई, जो 225 रुपए में बेची तो कितनी हो गई है 1350 रुपए की हो गई। अब वो हमसे ये बोल रहे हैं, वो हमसे क्या बोल रहे हैं, टोटल बुक हमारे पास कितनी हो गई, टोटल बुक हमारे पास हो गई 60 और 60 120 बुक हो गई, कितनी हो गई 120 बुक हो गई, टोटल बुक हमारे पास कितनी हो गई 120 और टोटल पैसा कितना हो गया 2, 4, 6, 2460 कितना हो गया 2460 हो गया। तो यहां पर चलिए, तो 120 बुक बराबर 2460 है, तो एक बुक की कीमत कितनी आ जाएगी, एक बुक की कीमत हो जाएगी 2460/120। अब मुझे 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ यानी कि 120/100, 20% का लाभ कमाना है मतलब कि 120/100 आया ना, 120/100, 120 से 120, 0 से 0 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, अब बचा कितना 246/10 इनटू 246/10, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, मैं उधर लिख देता हूं, बचा हमारे पास कितना, बचा हमारे पास कितना, बचा हमारे पास 246/10, मुझको खरीदना है 15, कितनी खरीदना है 15 बुक, तो 5×10 5×3=15, 2 से डिवाइड करेंगे 2×4 2×3=6 और इनटू करेंगे तो 369, कितना आ गया 369। बात को फिर से समझा देता हूं मैं, क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा कि 20% मुझे लाभ कमाना है, नोटबुक और प्राइस 12 के हिसाब से खरीदा, ओरिजिनल कितनी है 5, हमने खरीदा 1110 रुपए में, 5 60 हो गई, 10 के हिसाब से हमने बेचा, बढ़ कितना गया 1660 यानी कि कितना 1350 रुपए में, टोटल हमारे पास बुक कितनी होगी 120 बुक बराबर, पैसा कितना हो गया 2460, तो एक बुक की कीमत कितनी होगी 2460/120, मुझे 20% लाभ यानी कि 20% लाभ यानी कि 120/120 120 से 120 0 से 0, मेरे पास कितना बचा 246/10 इनटू मुझे 15 बुक
की कीमत, 15 नोटबुक की कीमत बतानी थी, 15 नोटबुक की कीमत मुझे बतानी थी, तो 15 नोटबुक की कीमत डिवाइड करने पर कितना 369 इज द आंसर। और ये आपसे पूछा गया है कब, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है आपसे 16/4/2021 और पूछा गया है ये आपसे आफ्टरनून, AFT आपसे क्या पूछा गया है आफ्टरनून में, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही प्यार से चीजों को समझिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा एक और क्वेश्चन, देखिएगा सही, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि दो कलाई घड़ियां प्रत्येक 1980 रुपए में बेची गई, एक कलाई घड़ी को 10% के लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर बेचा गया, पूरे लेनदेन का परिणाम बताइए, पूरे लेनदेन का परिणाम यहां पर ये क्या करना है। तो मुझे बताइए कि 1980 रुपए में घड़ी को खरीद, 1980 रुपए में घड़ी को बेचा है ना, एक को बेचा 10% लाभ पर, 10% लाभ यानी कि 110 बराबर 1980, हाँ है ना, ठीक है कि नहीं, 1980 11 से डिवाइड करूंगा 10 बार जाएगा, 10% 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 करना 11 और 11 8 88 कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, 110 से डिवाइड करेंगे जीरो बन जाएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे सर 1800 कितना हो जाएगा 1800। ये पहली घड़ी की कीमत 110% के लाभ पर बेची 1980 रुपए में, 10% 1800 और 1800, और दूसरी घड़ी को बेचा उसने 10% की हानि पर, 10% की हानि यानी कि 90% बराबर 1980, दोनों की कीमत तो सेम ही है, 1980 में बेचा है ना, 1980 में बेचा तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, आप 9 से डिवाइड करेंगे 0 से 0, 9 × 18 और 9 × 18 1% बराबर 22, तो 100% बराबर 2200, 100% बराबर 2200, 100% बराबर कितना हो गया 2200। अब मुझे ये बताइए कि कीमत कितनी थी, कीमत थी 1980 और 1980 यानी कि 3960 रुपए में उसने घड़ी खरीदी थी है ना, 3960 रुपए में उसने घड़ी, पहली घड़ी और दूसरी घड़ी, क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक की कीमत तो इतनी है बेचने, और पहली कीमत, पहली वस्तु 1800 में और दूसरी वस्तु 2200 में, ठीक, टोटल कितना हो रहा है 1800 और 2200 4000 रुपए, कितना हो रहा है 4000 रुपए। तो मुझे बताइए आप कि लाभ हुआ या हानि हुआ, तो इसमें दिया गया है 40 रुपए का नुकसान, 99 रुपए का नुकसान, 99 रुपए का लाभ, कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुई। तो यहां क्या लग रहा है यार, क्या लग रहा है 40 रुपए क्या हुआ है, 40 रुपए, 40 रुपए का क्या हुआ है, 40 रुपए का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, 40 रुपए का क्या हुआ बेटा, नुकसान हुआ है यहाँ पर। और ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन का भी, 40 रुपए का नुकसान बेचा गया, पूरे लेनदेन का परिणाम 40 रुपए का नुकसान, कोई लाभ कोई हानि नहीं, तो यहाँ पर 40 रुपए का नुकसान हुआ है, 40% मतलब 40 रुपए का क्या हुआ है, RS का नुकसान हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में तो यही दिया गया है 40 रुपए, आंसर कितना आया 40 रुपए। और ये पूछा गया है आपसे 16/4/2021 इवनिंग,
इवनिंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बड़े प्यार से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको, बहुत ही इत्मीनान के साथ में। ये पहली घड़ी है, ये पहली है और ये दूसरी, ये पहली घड़ी है और ये दूसरी घड़ी है, ठीक है। 1980 3960 रुपए, ₹40 का नुकसान हुआ उसको, क्योंकि उसने खरीदी कितने में थी, 1800 रुपए में, 10% के लाभ पर बेची तो 1980 में बेच दी, है ना, तो 180 का लाभ हो गया। लेकिन ये घड़ी बेची 1980 में और थी कितने की, वो 2200 रुपए की, टोटल कितना 4000 रुपए कीमत है और 3960 रुपए में बेची, तो 40 रुपए का कितना हो गया नुकसान। ये क्या है आपका बेटा, सीपी है, ये भी सीपी है और ये भी क्या है, सीपी। 40 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 16% की हानि होती है, यदि वह इसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 90% अगर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। उसने ये बोला है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य के है ना, विक्रय मूल्य के मतलब एसपी के कितना 7/12 पर बेचने पर उसके क्रय मूल्य, उस व्यक्ति को 16% की हानि होती, किस पर, सीपी पर 16% की हानि, यानी कि 84/2। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। उसे बोला है कि व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर सेलिंग प्राइस पर 7/12 बेचने पर उसको 16% की हानि आती है, 84। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। 7 से आपने डिवाइड किया, 7 × 7, इधर भी 7 × 7, 7 × 2 = 14, 12 × 12 कितना हो गया 144। यहाँ पे एसपी बटे में सीपी क्या हो गया, ये हो गया 144/100, कितना हो गया बटे में 100, 144/100, ठीक है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितनी है 144, सीपी कितनी है 100, सीपी कितनी है 100। वो ये बोल रहा है यदि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के, जो विक्रय मूल्य है सीपी है, सीपी के 90% पर यदि बेचता है, सीपी के 90% पर यदि वह बेचता है, 90% पर यदि वह बेचता है तो कितना, 0 से 0 और 9 से आप इसको करेंगे तो 129.6, ठीक है, 12.6, तो ये कितना जाएगा 1 पॉइंट हटा देंगे तो 9.6, 129। अब मुझे बताइए कि आपका जो सीपी है वो कितना है, 100 है, और आपने बेचा कितने में एसपी, नया वाला एसपी कितना आ गया 129.6, तो यहां पर लाभ हो रहा है या नहीं, तो आपको लाभ हो रहा है 29.6, है ना, ऑप्शन दिया गया आपका 29.6% आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और ये आपसे पूछा गया कब है, 19/4, कब पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे, 19/4/2021 वो ही पूछा गया है, आफ्टर नून में ये पूछा गया क्वेश्चन से। सीपी का 7/12, एसपी पर 16% की हानि, एसपी बटे में सीपी, 144/100,
तो यहाँ पर सीपी कितना हो गया 100। अब उसने बोला कि विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पर वो 90% बेचता है, तो 129.6 में बेचिंग बिकेगी वो, 1060 10 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हमारी जो सीपी है वो 100 है और हमारा जो सेलिंग प्राइस नया जो आया वो 129.6, तो हमको 29.6 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 29.6% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यही इसका आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें एक तरीका बताऊंगा, इस तरीके को समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया शानदार। कि एक दुकानदार ने 840 किलोग्राम चावल खरीदा, इसका एक भाग 25% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचा गया और कुल लाभ 15% तथा चावल की मात्रा कितनी थी जिससे 10% हानि पर बेचा गया। मैं इसमें एलिगेशन लगाऊंगा, एलिगेशन को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, यहां पर सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझना है। मेरे पास कीमत कितनी है, 400 840। उसने बोला कि 25% लाभ, यहां पे बहुत आराम से समझिएगा, 25% लाभ यानी कि प्लस। फिर उसने बोला कि 10% हानि यानी कि माइनस, और टोटल लाभ यानी कि प्लस 15%। एलिगेशन लगाऊंगा दोस्तों, समझ लीजिएगा। मैंने हमेशा आपको ये बताया अभी कि बीच वाली चीज में से अपन चीजों को घटाते हैं, तो यहां 25 में से 15 घटाऊंगा तो आप बोलेंगे कि सर 10%, ये तो बात समझ में आएगी। अब यहां 15 में से 20 घटाऊंगा, तो जब घटाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल 25%। हाँ यार, बात समझ में आई है कि नहीं, बात समझ में आई है कि नहीं आई, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस में से प्लस यानी कि घटाऊंगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 10% आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, माइनस में घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 25% हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 × 10 = 25। आ गई कि नहीं, बात यहाँ पे समझ में आएगी नहीं, आगे होगी बात समझ में, अब बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हानि कितने की हुई, हानि 2% के हिसाब से 2 रुपए की हुई, हानि 2% के हिसाब से 2 रुपए की हुई, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी है, 2। 10% पे पूछी उसने कि 10% पर हानि बेचा गया, 2, टोटल कितनी, 5 × 2 = 7, 7 × 84 7 से कितनी बार, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 और 12 × 2 = 24, यानी कितना हो गया, 240। कितना आ गया, 240 kg बेचा गया, 10% हानि पर उसने कितना बेचा, 240 केजी बेचा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कब है, 19/4/2021 इवनिंग, कब पूछा गया है, इवनिंग में पूछा गया, 2021 इवनिंग में पूछा गया क्वेश्चन से। बहुत ही बढ़िया शानदार। चलिए 25%, 10%, 15%, 25, 10, हानि 2/7 = 84, 12 × 2 = 24 केजी का उसको 10% की हानि पर उसने बेचा। सिलीगंज, अगला क्वेश्चन से आपका ये अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार 1350 रुपए की दर से 15 दर्जन कलम खरीदता और उन्हें 495 प्रति 5 दर्जन कलमों के दर से बेच देता है, तो उसको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को बड़े ही इत्मीनान से, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ही मेहनत करता हूँ।
और आपके मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे तहे दिल से धन्यवाद, आपको मेरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल से जुड़ने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, आपका प्यार मिलने के लिए जरूर बोलिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि 15 दर्जन बराबर 1350, 15 दर्जन बराबर 1350, 15 दर्जन बराबर 1350, है ना, 15 दर्जन बराबर 1350, और उसने 5 दर्जन 495 के हिसाब से बेचे। 15 दर्जन की जो कीमत है वो 1350 है, 15 दर्जन की कीमत जो है वो 1350 है, और 5 दर्जन की कीमत 495 है, तो मैं इसको भी 15 बनवाऊंगा इधर, तो इधर भी मैं 3 का इंटू करूंगा, तो 3 का इंटू पर करने पर 5 3 15 एक 9 3 27 और 1 28 का 8 हासिल आया, 2 4 3 12 12 और 2 14 1485 रुपए, कितने 1485 रुपए, 1485 रुपए। अब मुझे बताइए कि यहां पर लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है कि 1350 रुपए में आपने खरीदी और उसने क्या कहा कि 5 दर्जन ले जाइए 495 रुपए में, 5 दर्जन 495 रुपए में, तो 15 दर्जन होना चाहिए, तो 3 बार बोलेगा 495 1485 रुपए का बेचेगा, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है 135 रुपए, कितने का 135 का उसको लाभ हो रहा है, 135 का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 135 का यदि उसको लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो 135 बटे में 1350 इंटू 100, इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 10 से काटेंगे 100 तो कितना आएगा, 10% का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों 4/8/2021 और शिफ्ट है आफ्टर नून, शिफ्ट कौन सी है AFT, कौन सी है आफ्टर नून, ये शिफ्ट है। 15 दर्जन बराबर 1350, 5 दर्जन बराबर 495, तो 15 दर्जन बराबर कितना जाएगा 1485 रुपए, मतलब फायदा हो रहा है 135 रुपए का, प्रॉफिट परसेंट है 135 बटे में सीपी इंटू 100, 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 4/8/2021। इसी अंतिम क्वेश्चन के साथ मैं विदाई लेता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक।